वन वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वेलकम टू फिनिक्स इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल्स। वेलकम बैक टू अवर 20th सेशन। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल देयर। सो एवरीवन टेक आउट योर ईबीएस टेक्स्ट बुक ऑफ थर्ड क्लास एंड कम अप टू द पेज नंबर 35। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अवर लेसन शेल्टर, राइट? वी हैव कंप्लीटेड अवर लेसन shelter. Now today we have to finish off our exercise bit. Okay children, so let's start with the first bit. You can see here I am marking, you can copy down from there. Okay, let's start first one. Answer the following questions. Before this, I would like to ask you whether you have completed your previous work or not. Did you complete it? If you have not completed, then make sure that you should complete by seeing in the previous video. And if you have completed, then it's very good, everyone. First bit, answer the following questions. Question number one, from what problems does a house protect us? Okay, house humko kisse protect karta hai children? Kai sare cheezon se protect karta hai, right? What are they? That we will see now. Heat, cold, rain, storm, thieves and wild animals, right? हमको houses किससे protect करता है? गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, तेज़ हवाओं से, as well as जो चोर होते हैं ना, जो हमारी चीज़ें चोरी कर लेते हैं उनसे, and wild animals जंगली जानवर से भी, जैसे tiger, cheetah, lion, okay? So इन सारी चीज़ों से क्या करता है, हमको house protect करता है, बचा के रखता है. Second one, what are कच्चा houses? कच्चा houses किसको बोलेंगे हम? The कच्चा houses which are made up of straw, wood, stones and mud are कच्चा houses. Okay, the houses which are made up of straw, wood and stones. ऐसे houses जो हम किससे बना रहे हैं children? उसमें straw use कर रहे हैं, लकड़ी use कर रहे हैं हम, and छोटे छोटे small stones use कर रहे हैं, कीचड़ use करते हैं, उससे हम जो house बना रहे हैं, that is nothing but कच्चा house. Okay, what are permanent houses? Permanent houses किसको बोलेंगे हम? The houses which are made of bricks, cement, stones, tiles, etc. Okay, जो houses किसे बने हुए हैं children? जिसमें ईंट use हो and bricks, bricks means ईंट use हो and cement use करें, stone use करते हैं, so उसको हम पक्का house बोलते हैं. Okay, name different parts of a houses. Okay, name different parts of a house. Now children, in our house we have different parts of the houses, right? अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे रूफ़, रूफ मीनिंग छत जिसको हम बोल रहे हैं, रूफ़, वॉल्स दीवारें, एंड डोर्स दरवाजे, विंडोज़ खिड़कियां, एंड ओपन स्पेस जैसे कि गार्डन है या लॉन्स हो गया, ओके, गैराज होता है. सो ये सारी क्या है चिल्ड्रन? दिस आर द पार्ट्स ऑफ ए हाउस चिल्ड्रन. ओके, कम अप विद द फिफ्थ क्वेश्चन. राइट फोर क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड होम. गुड होम की क्वालिटीज़ बताना है. गुड होम हम क्यों बोलेंगे उसको गुड होम? उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए. ओके, सो दैट क्वालिटीज़ आर, इट शुड बी सेफ. फर्स्ट थिंग इज़ इट शुड बी सेफ. वो बिल्कुल सेफ होना चाहिए ताकि वहाँ पर कोई थीव्स या वाइल्ड एनिमल इंटर ना हो सके. सो इट शुड बी सेफ. इट शुड बी एयरी. ओके, अच्छे से फुल्ली उसमें फ्रेश एयर इंटर होनी चाहिए जिससे हम हेल्दी रह सकें, राइट? सो इट शुड बी एयरी. शुड हैव क्लीन सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. क्लीन, बहुत ही साफ ड्रिंकिंग वाटर आना चाहिए वो हाउस में. शुड हैव सेपरेट रूम्स फॉर बाथिंग, स्लीपिंग विजिटर्स एंड स्टोरिंग एक्सेट्रा. ओके, वो हाउस में, गुड हाउस किसको बोलेंगे हम? जिसमें कई सारे रूम्स होने चाहिए, सेपरेट सेपरेट रूम्स, किचन रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम एंड गेस्ट रूम एंड स्टोरिंग रूम एक्सेट्रा चलन. ओके, सो इट मेक्स द हाउस गुड होम. नेक्स्ट वन बी, टिक राइट द करेक्ट आंसर. रिवाइज इट एंड रीड दिस सेंटेंसेस विच इज़ करेक्ट. वी हैव टू पुट अ राइट मार्क ओवर देयर. ओके, फर्स्ट वन, हाउस, हाउसेज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड मड आर कॉल्ड. ऐसे हाउसेज जो किससे बने हुए हो? मड से या फिर स्ट्रॉ से. ओके, कीचड़ से बने हुए हाउसेज को क्या बोलेंगे हम? कच्चा हाउस, पक्का हाउस या परमानेंट हाउस? ऑब्वियसली इट इज़ ए कच्चा हाउस. सो वी हैव टू पुट राइट मार्क इन दिस बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स. A house should be, house किस तरह का होना चाहिए children? Dark, अंधेरा होना चाहिए? No. Unclean, dirty होना चाहिए? No, it should not be dirty. Well lit, yes, it should be well lit children. Okay, we have to take in the third box. Okay, next,
इन सिटीज़ और टाउन्स पीपल मेक डैश सिटीज़ या फिर टाउन्स में जो हमारे शहर होते हैं शहर में पीपल जो है कौन सा टाइप का हाउस बनाते हैं दैट वी हैव टू सी पक्का हाउस स्मॉल हाउस और कच्चा हाउस दे मेक्स पक्का हाउस चिल्ड्रन विच हाउस दे मेक्स पक्का हाउस ओके फिफ्थ फोर्थ वन यू हैव टू टेक केयर द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली टेक बाथ इन ओके ऑल द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली बाथिंग कहाँ पर करते हैं दे टेक बाथ इन बाथरूम चिल्ड्रन सो वी हैव टू पुट राइट मार्क इन द फोर्थ थर्ड बॉक्स ओके बाथरूम बाथिंग मीन्स नहाना बाथरूम में नहाते हैं फिफ्थ वन द फूड फॉर द फैमिली इज कुक्ड इन ओके पूरे फैमिली के लिए कुकिंग जो है फूड का जो अपना खाना कहाँ पर बनता है चिल्ड्रन दैट वी मेक्स इन डाइनिंग रूम जहाँ पर खाना बैठ कर खाते हैं वहाँ पर खाना बनता नहीं है ओके स्टोर रूम में तो हम चीज़ें रखते हैं सो द करेक्ट आंसर इज किचन रूम चिल्ड्रन इन किचन रूम वी मेक्स द फूड फॉर फैमिली ओके नाउ कम अप टू द नेक्स्ट पेज सी बिट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस नाउ वी हैव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस चिल्ड्रन ओके फर्स्ट वन इज वी लिव इन अ हाउस बिकॉज हम हाउस में क्यों रहते हैं चिल्ड्रन बिकॉज द हाउस व्हाट द हाउस डू इट प्रोवाइड्स सेफ शेल्टर टू अस हमको ये क्या प्रोवाइड करता है एक बहुत ही सेफ एंड कंफर्टेबल प्लेस देता है हमको रहने के लिए ओके सो वी हैव टू राइट दैट इट प्रोवाइड्स सेफ शेल्टर टू अस वी कैन गेट फ्रेश एयर इन बाय हमको फ्रेश एयर मिल सकता है किससे मिलता है फ्रेश एयर हमको डोर्स एंड विंडोज सो यू हैव टू राइट देयर डोर्स एंड विंडोज चिल्ड्रन ओके इन दिस बेट ड्राॅइंग रूम इज़ यूज जो ड्राॅइंग रूम होता है वी आर सेइंग एज ए वॉट गेस्ट रूम जिसको हम बोल रहे हैं वो किस लिए यूज़ होता है टू एंटरटेन गेस्ट इट इज़ यूज फॉर दी गेस्ट चिल्ड्रन सो राइट देयर टू एंटरटेन गेस्ट अ किचन हैज़ एन एग्जॉस्ट फैन टू आई सेड यू नो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एक्सप्लेनेशन इन दैट किचन वी विल बी हैविंग वन फैन राइट ओके जिसको हम एक फ़ैन रहता है वो क्यों क्या यूज़ होता है फ़ैन का टू ब्लो आउट द स्मोक जितना भी स्मोक रिलीज होता है ड्यूरिंग द कुकिंग वो सारा स्मोक को बाहर करता है कौन दैट फैन एग्जॉस्ट फैन चिल्ड्रन ओके सो ब्लो आउट द स्मोक नाउ कम अप टू द डिबेट Identify the following pictures and write the names in given space. First of all, we have to identify the pictures. We have to understand what the picture is given about and we have to write the names, children. Okay, let's observe the first picture. See the first picture. What is happening in the first picture? In first picture, one stove is there, gas stove is there, cooker is there. And cupboards are there and some vegetables also kept in the basket. So what does it indicating children? Which kind of a room it is? हमारे घर में ये सारी चीज़ें कहाँ पर रखी होती है Like gas stove, cupboards and cooker and even some vegetables and all. Where? Yes, in kitchen room. So we have to write there. First picture is a kitchen room. So K-I-T-C-H-E-N kitchen, R-O-O-M room, kitchen room. Okay children? Next, observe the second picture. What's there in the second picture? Bed is there with the pillow and some table, some vase, lamp and all. Okay, children. So this is what? This is a bedroom. We take rest here, right? Bedroom. Third picture is what? Some books are kept and even the lamp is there. One chair is also there. Study table is also there. So what does it indicating? It is a study room. We have to write there study room, children. Okay, where we studies. So first one kitchen room, second bedroom, third study room. Now come up to the last bit. Write T for true and F for false statement. Now children, if it is a true statement, if it is a correct line, then we correct sentence, then we have to put T true. If it is a wrong sentence, we have to put F false children, okay? First one, a house provides shelter to man. House kya provide karta hai? House shelter deta hai, humko ek rehne ke liye jagah panah deta hai. Is it correct? Yes, it is correct. Otherwise, we would be not having any safety. So, this is correct. So, we have to write T, true. Second one, our house protects us from heat, cold, rain, thieves, wild, wind and wild animals. Isn't it, children? Is not it a correct statement? Yes, it is a correct statement because our house protects us from the heat, cold, rain, wild animals, thieves, wind, storm, etc. Okay. सारी चीज़ों से हमको सेफ रखता है हाउस सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट राइट डाउन टी फॉर ट्रू टी नेक्स्ट
कच्चा हाउसेस आर कॉल्ड परमानेंट हाउस. कच्चा हाउस को हम परमानेंट हाउस बोलते हैं. इज इट करेक्ट? नो, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. कच्चा हाउस टेम्पररी हाउस होता है, परमानेंट हाउस नहीं होता है. सो राइट डाउन एफ फॉल्स. द ड्रॉइंग रूम इज यूज टू एंटरटेन गेस्ट. येस, जो ड्रॉइंग रूम होता है, गेस्ट रूम, वो गेस्ट के लिए होता है. इज इट करेक्ट? सो वी हैव टू राइट टी फॉर ट्रू. रिच पीपल लिव इन कच्चा हाउस. रिच पीपल मीन्स दोज हु आर इकोनॉमिकली गुड. ओके, दोज हु आर फाइनेंशियली गुड, जो बहुत अच्छा फाइनेंशियली गुड रहते हैं, जिसके पास ज़्यादा अमाउंट होता है. ओके, रिच पीपल, अमीर जो लोग रहते हैं, वो लोग हट में रहते हैं, बोल रहे हैं. नो, हट तो विलेजेस में बनाया जाता है. जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, वो लोग वुड ग्रास यूज़ करके, कीचड़ जो होता है अपना, मड स्लैग एंड ऑल यूज़ करके बनाते हैं. ओके, सो दिस इज रॉन्ग. एफ फॉल्स. अ हाउस शुड बी वेल लिट. येस, दिस इज़ ट्रू. हाउस क्या होना चाहिए चिल्ड्रन? अच्छे से वेल लिट होना चाहिए. इट इज़ करेक्ट. मस्कीटोज स्प्रेड मलेरिया. मस्कीटो क्या फैलाते हैं? मलेरिया फैलाते हैं. दिस इज़ करेक्ट चिल्ड्रन. ओके, सो वी हैव टू राइट टी ट्रू. वी स्लीप एंड टेक रेस्ट इन द स्टडी रूम. हम स्टडी रूम में स्लीपिंग करते हैं और रेस्टिंग करते हैं. स्लीपिंग और रेस्टिंग तो हम बेड पर करते हैं, जो बेडरूम में होता है, नॉट इन द स्टडी रूम चिल्ड्रन. ओके, सो दिस इज़ फॉल्स. वी हैव टू राइट एफ. ओके, सो दिस वॉज अवर ऑब्जेक्टिव पार्ट एक्सरसाइजेस विच वी हैव कम्प्लीटेड जस्ट नाउ. यू ऑल हैव टू राइट दिस ऑल बिट्स, कम्प्लीट दिस ऑल बिट्स इन योर रीडर. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट आर यू एबल टू सी दिस चिल्ड्रन? सी हियर, आई एम मार्किंग दिस बिट. कैन यू सी दिस बिट? येस, दिस वन. ओके, फर्स्ट बिट. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. दिस बिट चिल्ड्रन, यू हैव टू राइट दिस बिट वन टाइम इन योर क्लास वर्क. वेर यू विल यू राइट? वन टाइम इन क्लास वर्क यू हैव टू राइट दिस बिट चिल्ड्रन. ओके, कंप्लीट दिस बिट इन क्लास वर्क एंड रिमेनिंग अदर बिट्स, ओनली दिस बिट इन क्लास वर्क. फर्स्ट बिट ए पार्ट, रिमेनिंग बिट्स यू हैव टू कंप्लीट इन द रीडर ओनली चिल्ड्रन. ओके, कंप्लीट इट एंड कीप इट रेडी. I'll be back and I'll meet you in next video. Till then, take care and have a nice day, everyone.